मैं डांस करूं, डांस करूं मैं, चलो डांस करता हूं, करो बजाओ 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 इसको बजाओ, आप बजाओ आप बजाओ, मैं डांस करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सनी आर्या। आज आपके सामने एक और वीडियो लेके पेश हूं मैं, और माता रानी ने एक और मौका दिया मेरे को किसी की सेवा करने का, और आज मैं उन परिवार के पास बैठा हूं। सर नमस्ते, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजय है। संजय जी, और बीटिया रानी का नाम क्या है? माही सिंह। ओके, तो बिटिया सुन नहीं पाती और बोल भी नहीं पाती। अच्छा, कब से ऐसी दिक्कत है? ये हमें 3 साल बाद पता चला था, मगर ये थी बचपन से ही। अच्छा, आपको 3 साल बाद पता लगा, जब गुड़िया थोड़ी बड़ी हो गई, जब कुछ समझ नहीं पा रही थी और सुन नहीं पा रही थी। ठीक है सर, आप गीले बहुत हो गए, बारिश आ रही है। हाँ सर, बारिश तेज, हाँ लेट हो गया सर मैं, बारिश ज़्यादा तेज़ आ रही है बाहर, और तो अभी जैसे मैं इशारे में बात करूँगा तो गुड़िया कुछ समझ पाएगी? हाँ, इशारे से समझ पाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, तू इधर बेटा मेरे पास आ जा, इधर बैठ, इधर इधर, वेरी गुड। क्या नाम बेटा आपका? नाम क्या बोलना चाहती है? नाम तो बोल, नाम वाला लिपसिंग कर लेती है नाम की? हाँ। अच्छा, थोड़ा बहुत। तो और का मतलब कुछ बातें वर्डिंग में करना है एक बार बढ़िया से? बेटा मम्मा कहाँ है? बुआ कहाँ है? फूफा, पापा, पापा, मामा, क्या वो जी? ये कुछ बोलने की कोशिश करती, जब से हमने इलाज कराया और इस बीच सर्विस की कराई है, जब से इससे हमें काफ़ी वर्ड खुलने की, इसकी पता चला कि इसके वर्ड ये बोल सकती है। जी जी जी। तो फिर हमने, हमें किसी ने एम्स में बताया था कि वहाँ फ्री इलाज होता है। जी जी। फिर हमने 1.5 साल तक इसका इलाज एम्स में कराया। जी। अब एम्स के जब सारे पेपर पूरे हो गए थे, जी, जब वहाँ पे उन्होंने हमें एस्टिमेट बना के दिया 11,67,000 और 300 कुछ रुपये का। ओके। तो वो पैसे मेरे पास एक भी नहीं थे, कि जो भी था मेरे पास एम्स में आना और जाने में खर्च हुए, उसके अलावा मैं 1.5 साल से काम भी नहीं कर पाया। क्या काम क्या करते हैं सर आप? ये सर मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ। क्या सैलरी आपकी? ये सैलरी तो मेरी कोई नहीं है, 10,000 करीब है। ठेके का काम है, 10 भी। अभी आपने बताया कि एम्स में गुड़िया का इलाज हो चुका है? पहले इलाज हुआ है जी। पूरा इलाज कम्प्लीट हो गया है सिर्फ, और ऑपरेशन के लिए मैं पैसे जमा करूँ। तो सरकारी अस्पताल तो सारे सर फ्री हैं? नहीं सर, उसका एस्टिमेट उन्होंने मेरे को दिया, मैं आपको दिखाऊँ जी। क्या एस्टिमेट दिया है? ये इसका एस्टिमेट है जी, 11,67,000 जी, 437। ये जो एस्टिमेट आप 11 लाख, क्या डॉक्टरों ने जो आप किस चीज़ का बताया है, क्या होना गुड़िया के? ये यहाँ पे किसके ऑपरेशन होगा, इसके अंदर एक मशीन पड़ेगी। ठीक है। और ये मशीन पड़ने के बाद जी क्या होगा कि एक मशीन ऊपर से लगेगी। ठीक है। फिर जैसे हमारा एक फोन, हम बात करते हैं जी बाहर से जो अंदर कैप्चरिंग करता है जी, उसी तरीके से जो ये मशीन लग जाएगी जी, ये बच्चा जो 70-80% सुनने लगेगा। तो मशीन कहाँ से आएगी? ये मशीन बाहर से ज़्यादातर आती है। तो ये जो एस्टीमेट आप बता रहे हो 11 लाख के आसपास का, ये मशीन का एस्टीमेट है? हाँ जी। अच्छा, वैसे जो इलाज होगा वो सारी चीज़ें होंगी, सब फ्री होगा, ये मशीन का अपने पैसा? मशीन का पैसा हमें देना है जी, और बाकी वहाँ का जो अस्पताल का खर्चा है वो फ्री। इलाज एम्स में ही कराना है आपने? एम्स में हो रहा है तो और अच्छी बात है, क्योंकि एम्स से बढ़िया तो हमें कहीं लगती नहीं है। अभी आपने बताया इससे पहले जो ऑपरेशन हुआ गुड़िया का, या फिर आप एम्स से लेकर गए थे, वो क्या हुआ था? ये वहाँ पे जाते हैं एम्स में, उन्होंने लगभग 1.5 साल से हमारे इसकी जो टेस्ट वगैरह थे वो पूरे करे। अच्छा, टेस्ट वगैरह थे इसके जो पूरे करे आप? अब टेस्ट के बाद उन्होंने हमें ये एस्टिमेट दिया और उन्होंने बोला ये पैसे आप काउंटर पे जमा करो जी, उसके बाद ये आपकी मशीन आएगी जी, फिर आपको हम कॉल करेंगे जी, किस दिन आपके बच्चे का सर्जरी होनी है। मेरे ख्याल से ये गुड़िया रानी की वीडियो करमो भाई साहब जो है, जो पत्रकार हैं, उन्होंने भी चलाई थी। उन्होंने भी चलाई, वहाँ से डोनेशन आया था आपके पास? डोनेशन आया था। कितना डोनेशन आया था? ये डोनेशन मेरे पास लगभग 46,000 के आसपास आया था।
ये 46,000 रुपये कहाँ यूज़ करा है आपने, जो लोगों ने डोनेशन दिया? ये 46,000 रुपये मेरे पास रखा है जी, वो जो हमारे पैसे पूरे हो जाते हैं जी, वैसे मैं एम्स में जमा करूँगा जी जी, और मैं अपनी बेटी का ऑपरेशन कराऊँगा। ठीक है ठीक है ठीक है। जिन भाइयों ने करा भी है जी, उसका हमारे पास पूरा लिखे थे किस किस टाइम पे करा है, मगर कई लोगों ने हमें फोन नहीं करा, उन्होंने सिर्फ हमें डोनेट किया। किसी ने 500 भेजे, 40 भेजे, 500, 1100, 2000, 5000, 2100। अच्छा, आपने रिकॉर्ड लिखा हुआ है सारा। अच्छा, कर्मो जी जो जिन्होंने ये न्यूज़ कवर करी थी, चलाई थी, उनको रिकॉर्ड दिया आपने? हाँ, मैंने उन्हें सारा कुछ दिया है। ये अच्छा इंसान है, वो भी मदद के लिए सबसे आगे रहते हैं हमेशा। तो अब आप चाहते हैं कि आपकी बिटिया रानी का जो ऑपरेशन अच्छे से हो जाए, जो मशीन है बाहर से आ जाए, लेकिन वो सब हो सकता है लोगों की मदद से, लोगों की सहायता से। मैं सबसे मदद ही मांगना चाहता हूँ। तो आप कैमरे में देख के क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ सभी से कि आप मेरी मदद करो, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, और मेरी बेटी का ऑपरेशन सभी लोग मिलकर करवा दो, मेरी बेटी ठीक हो जाए, बोलने लगे और सुनने लगे, मेरे पास इससे बड़ा और कोई काम नहीं है। आप लोगों के आशीर्वाद की हमें ज़रूरत है, आप मेरे को आशीर्वाद दो, मेरी बेटी बोल सके और सुन सके। तो अभी स्कूल वगैरह जाती है गुड़िया रानी? हाँ, स्कूल जाती है। अच्छा, ऐसे बच्चों का है स्कूल? हाँ, जहाँ पे मतलब सब लिपसिंग से सिखाया जाता है। अच्छा, ठीक है। इसके एक हाथ में भी प्रॉब्लम है। अच्छा, और क्या? एक पैर में भी, एक हाथ से ये पकड़ नहीं सकती सही से। अच्छा अच्छा अच्छा, ये थोड़ा सो वैसे है, और ये जो चलती है तो थोड़ा लिंगड़ा के चलती है। अच्छा अच्छा, कि इसकी दिमाग की दो नसें ब्रोक है। अच्छा, तो वो नसें जो आप बता रहे हो, वो जो सुनने की शक्ति है और बोलने की शक्ति? हाँ। अच्छा, सुनने की शक्ति को उसने रोक रखा है। तो ये जो कोक्लियर इम्प्लांट होगा, ये यहाँ से ऑपरेशन होने के बाद जहाँ पे नस खराब है उससे आगे वो तार से जोड़ देंगे उसे। ये पेपर दिखाना, ये जो डॉक्टरों ने लिख के दिया आपको? हाँ, ये सारे पेपर एम्स के हैं। एम्स के हैं, इसमें कुछ पेपर है बाहर के। अगर कोई, जैसे इस पेपर को देखने से पहले आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ, कोई ऐसा इंसान आगे बढ़ के आपकी मदद करना चाहता है, अगर वो चाहता है कि एक बार सब कुछ क्लियर हो जाए और वो एम्स में आके आपके साथ डॉक्टर से पूछना चाहे सारी चीज़ें? हाँ जी, तो बात कर, तैयार। तो आप तैयार हैं? हाँ जी। तो दोस्तों, आप इनकी मदद अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से कर सकते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि हम सामने आके मदद करना चाहते हैं, वैसा भी पॉसिबल है। कोई व्यक्ति चाहता है हम हॉस्पिटल में आके मदद करना चाहते हैं, वो भी पॉसिबल है। कोई चाहता है कि सीधा इनके अकाउंट में पैसे डाले जाएँ, क्योंकि जो नीचे मैं अकाउंट नंबर डालूंगा वो इनका डालूंगा, IFC कोड से लेकर अकाउंट नंबर का। कहाँ का अकाउंट नंबर आपका? अकाउंट नंबर मेरा भड़तल का है। भड़तल का है, भड़तल का अकाउंट नंबर इनका मेंशन करूंगा, नीचे इनका कॉन्टैक्ट नंबर ही मेंशन करूंगा मैं। तो जो भी आपकी मदद है, आपको मैंने सब तरीके बता दिए, जिसको जैसे संतुष्टि हो वैसे वो मदद कर सकता है। क्योंकि बच्ची अच्छे से बोलने लग जाए, क्योंकि डॉक्टरों ने तो भरोसा दिला दिया है। डॉक्टरों ने ये भी कह दिया है कि एक मशीन आती है बाहर से, जिसका जो अमाउंट है 11.5-11.5 लाख का है, वो अमाउंट अगर जुड़ जाता है तो ये प्यारी सी बच्ची बोल पड़ेगी और इसको सुनाई देने लग जाएगा, इसके जो परिवार में जो दुख है वो दूर हो जाएगा। अमाउंट जो अमाउंट मैं ये नहीं बोलूँगा कम है, अमाउंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके प्यार से ये काम जल्दी निपट सकता है। और हर एक इंसान अगर 10 रुपये का अमाउंट भी डालता है, जैसे मैंने देखा कि मेरी वीडियोज़ पे कहीं 4 लाख व्यूज़ भी है, 6 लाख व्यूज़ भी, तो 10-10 रुपये के अमाउंट से बहुत ज़्यादा अमाउंट इकट्ठा हो सकता है। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, जो भी अकाउंट नंबर डलेगा सर का डलेगा, सर के नाम से डलेगा, और बाकी सारे ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। गुड़िया की एज आपने 7 साल बताई थी ना? हाँ जी। तो मैं बच्ची के लिए कुछ 7 तोहफे भी लेकर आया हूँ। बच्ची की उम्र बताई थी 7 साल, और मैं 7 तोहफे लेकर आया हूँ, कह रही थी बेटी के लिए। ये आपके लिए बेटा, सामने देख के ऐसे स्माइल करो, सामने दिखाओ, ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे बस। वेरी गुड, अच्छा लगा। ये देखो, मैं दूंगा आपको एक और तोहफा। ये कैसा लगा? अच्छा, ये और मैं दूंगा आपको ये। पहले डांस करके दिखाओ, डांस डांस, ये। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और प्यारा सा तोहफा, ये कैसा लगा? कैसा लगा? अच्छा है? और मैं लेकर आया आपके लिए 2 स्माइली,
ऐसे दिखेगा, ये एक स्माइली है प्यारी सी गुड़िया की आपकी, लो। और ये है आपके पापा की स्माइल जो आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, ठीक है। और मैं लेके आया हूँ आपके लिए ये, आए सामने देख के बताओ कैसा लगा, ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, अच्छा लगा। और मैं लेके आया हूँ आपके लिए ये प्यारी सी डोल, ये आपके लिए है, ये मैं घर ले जाऊं, मैं ले जाऊं, ले जाऊं। लो बेटा, बस और नहीं पीना पानी हमने, थोड़ा सा पानी पी लो बेटा, और पानी थोड़ा थोड़ा सा पी लो बस, ठीक है। ये सारे आपके हैं इधर करके, ये बोलो मस्त है। तो अब तो सर सब कुछ लोगों पे डिपेंड है, मतलब जो जनता है, जनता जनार्दन है। अच्छा, तो उन्होंने बोला कि आप इसी तरीके से जो पहुंच गए जी जी, तो वहाँ से मैं ये तो नहीं कह सकता कि इतनी अमाउंट की हेल्प होगी, मगर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि आपकी हेल्प जरूर होगी, पूरी मदद होगी। ये आपका है, ये आपका प्यारा सा गिफ्ट है, इसको बजाए हम, इससे खेले, खोल दे इसको, खोलते थे इसको रूटर, ये खोल देते हैं, बाकी घर पे जाके खोलना आप, ठीक है। ए, आ, अरे वाह, ओए कैसे बजाते हैं इसको, बजा के दिखाओ, क्या बात है, डिंग डिंग डिंग। मैं डांस करूं, डांस करूं मैं, चलो डांस करता हूँ, करो बजाओ 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 इसको, बजाओ आप, बजाओ आप, बजाओ, मैं डांस करूँगा। वेरी गुड बेटा, प्यार करो मेरे को, थैंक यू। ये घर पे जाके खेलना आप, कैच करके दिखाओ, कैच कर लेते हो, करके दिखाओ, ए ए ए ए ए पकड़ लो, इसको भी पकड़ लो। तो दोस्तों आप सबके प्यार से, आप सबके छोटे से योगदान से गुड़िया ठीक हो सकती है, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप जितना ज़्यादा हो सकता है तो बढ़ चढ़ के योगदान दें। सर का अकाउंट नंबर है, सर से मिलना चाहेंगे, सर का नीचे मैं नंबर डालने वाला हूँ, नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सर के घर जाके मिल सकते हैं, सर का घर का एड्रेस भी मैंशन करने वाला हूँ मैं। जो व्यक्ति खुद जाकर डॉक्टरों के पास इलाज करा सकता है वो भी एक आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन बहुत है, बस एक बार आप थोड़ा सा बढ़ चढ़ के समय निकाल के प्यारी सी बच्ची की मदद करें। जय हिंद, जय भारत। झूले झूले चलोगे, झूले 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 चले चले, और ऐसे वो पेस्ट्री, पापा बता रहे पेस्ट्री फेवरेट है आपकी, पेस्ट्री खाने भी चले चले, चलो चले भैया, चलो।